कुछ भी विकास नहीं किए हैं। चार बार से विधायक थे, कुछ काम नहीं किए हैं। किसी जनता से जाकर पूछ लीजिए, समर्थन मेरे को मिल रहा है। देखा जाए तो तमाम प्रत्याशी उतर रहे हैं, महागठबंधन से जो है मोहन गुप्ता उतर रहे हैं, तो एक तरफ बीजेपी से जो देखा जाए सुभाष सिंह की पत्नी जो है वो उतर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता हमको चुन के भेजेगी। कौन विकास करेगा तो साधु यादव विकास किए थे और वही फिर साधु यादव ने विकास करेंगे। नहीं, हम लोग ठीक है, खड़े हैं तो खड़े हैं, ठीक है। मोहन गुप्ता को जानते हैं? हाँ जानते हैं, लेकिन हम लोग साधु यादव को जानते हैं। आप सब महिला जो है साधु यादव यानी कि जो इंदिरा यादव उनको समर्थन दे रहे हैं उसे। बिहार में दो सीटों पर चुनाव होना है। मेरी मौजूदगी अभी गोपालगंज में है। बता दें आपको कि तमाम प्रत्याशी जो है गोपालगंज के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं जो है लगातार प्रत्याशियों की जो नज़र है वो गोपालगंज सीट पर है। हमारे साथ बात करने के लिए साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव हैं। बता दें आपको कि बसपा से जो है चुनाव लड़ रही हैं गोपालगंज से। मैम लगातार घूम रही हैं, तमाम क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं, जनता का क्या कुछ समर्थन? आपको चैनल का धन्यवाद देती हूँ, बहुत सारा समर्थन मिल रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। अगर विधायिका बनिएगा तो क्या कुछ विकास कीजिएगा अपने? विकास ही मेरा मुद्दा है। एमपी साहब जो भी काम किए हैं वो अधूरा है, उसको पूरा करना है। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि लगातार हमने विकास किया है, चार बार से हम विधायक बनते आ रहे। कुछ भी विकास नहीं किए हैं, चार बार से विधायक थे, कुछ काम नहीं किए हैं। किसी जनता से जाकर पूछ लीजिए, लोगों का पूरा अपार समर्थन मिल रहा है। जी, समर्थन मेरे को मिल रहा है। देखा जाए तो तमाम प्रत्याशी उतर रहे हैं, महागठबंधन से जो है मोहन गुप्ता उतर रहे हैं, तो एक तरफ बीजेपी से जो देखा जाए सुभाष सिंह की पत्नी जो है वो उतर रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता हमको चुन के भेजेगी। इंदिरा यादव जिंदाबाद। तमाम महिलाएं हैं जो इंदिरा यादव के साथ हैं, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? चंद्रावती देवी। क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है इस बार, किसको समर्थन दीजिएगा? इंदिरा यादव को। विकास हुआ है गोपालगंज में? विकास हुआ है, बाकी अधूरा। किसके कार्यकाल में विकास हुआ? साधु यादव के। क्या कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। क्या नाम है? हमारे नाम जितेंद्र प्रसाद खरवार पड़ा, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव हूँ। गोपालगंज का विधायक कौन? अब की बार तो हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं हर पंचायत में, इंदिरा देवी इंदिरा यादव का समर्थन मिल रहा है। हर गरीब जोगी झोपड़ी का जितने भी लोग हैं सारे लोग अब जग गए हैं, अब समझ गए हैं जे कौन विकास करेगा। तो साधु यादव विकास किए थे और वही फिर साधु यादव ने विकास करेंगे, तो इंदिरा यादव को हम लोग जिता कर विधानसभा में भेजना है। चाची क्या नाम है आपका? और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करने की हाँ, कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाची? सुदेशी ना हो। चाची क्या कुछ कमी है गोपालगंज में, क्या कुछ अगर कोई विधायक बनते तो उनसे क्या कुछ मांग कीजिएगा? सब कुछ मांग कीजिएगा, हम लोग तो झोपड़ी है तो झोपड़ी रह गया, जब हम लोग के घर चाहिए, रास्ता चाहिए, इतना लोग जीतल कुछ ना कोई लेने के, कुछ नहीं है कोई हमने किया। सिंह पूर्व में विधायक थे वो कुछ नहीं, कुछ नहीं किया हमने को, दरवाजा पर तो कहे जो उधर जाओ उधर जाओ। हाँ, यहाँ पर केंद्र में तो उनकी सरकार थी, कोई कोई कुछ नहीं कहले, हमने के जाए तो भगाइए दिए। हाँ, हाँ भगा दिए कि हट 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 हट। आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं सुभाष सिंह। क्या बोलते हैं? वो हम लोग को चेट देते हैं, भगा देते हैं। पत्नी खड़ा हो रही? हाँ, तो उसी को वोट हम लोग नहीं देंगे तो नहीं देंगे, कत्ल हो जाएंगे तो क्या, उसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, जब सास रह सो तब उनके साथ ही छाप पर वोट दे सोने। हाथ ही छाप। देखियो झोला है न तो मुट्ठी तो बंधा है, अगर मुट्ठी नहीं खुलेगा तो झोला कहाँ से भरेगा है? तो वह बोल रही है साधु जादू के औरत इंदिरा जादू उठ रही है, उसकी झोला भरेगा। सुभाष सिंह की पत्नी भी खड़ा हो रहा है? सुभाष सिंह की पत्नी खड़ी है, ठीक है, अपना जगह पर है, बाकी वो जगह पर वो गरीबों के लिए जितना जानता है उसी के लिए काम नहीं किया है, ठीक है, सरी उधारा है, ठीक है, जितना सदर अस्पताल है, अपना पंचायत में जितना विकास हुआ है सब अधूरा है, ठीक है, नहीं हुआ है। तो वही से सोच रही है जो कभी
मैं आती थी। इस बार किसको समर्थन दे रही हैं? हम लोग तो साधु जादू के साथ है जी। कुसुम देवी भी खड़ा हो रही है नहीं? हम लोग ठीक है, खड़े हैं तो खड़ी है, ठीक है। मोहन गुप्ता को जानते हैं? हाँ जानते हैं, लेकिन हम लोग साधु जादू को जानते हैं। आप सब महिला जो है साधु जादू यानी जो इंदिरा यादव उनको समर्थन दे रहे हैं उसी को। ठीक है, तमाम महिलाएं हैं और भी कुछ महिलाएं हैं ग्रामीण हैं यहाँ की, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस पर किसको समर्थन देंगे। चाची किसको समर्थन दे रही हैं इस बार? इंदिरा जादव के संग आयल बानी सर, उनके संग बानी सर। विकास हुआ है? हाँ विकास हुए, कल इतना जैसे जीतल वालों के विकास न के कर ले। इंदिरा जादव हमने के विकास करे है ना, उनके साथ चार से बीजेपी के विधायक यहाँ बन रहे हैं। हाँ वो लोग विकास नहीं किए हैं ना? क्यों ना कर ले बा, वो लोग कह रहे हैं कि खूब विकास किए ना, केहू विकास कुछ नहीं के कैल हमने के। क्या कमी है, क्या कमी है आपके क्षेत्र में? सब चीज कमी है, कुछ केहू ना करला, जीत जीत के अपन बनावेला। ऐसा हमने के इंदिरा जादू के संगे बानी सन, वहाँ के हमने के साथ है वोट देव सन, जिताब सन, आ हमने के सब विकास के काम करा। इंदिरा जादव के और भी बहुत सारे प्रत्याशी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, मिलने नहीं आते हैं क्या? नहीं नहीं कभी नहीं, द्वार पर जाने से भगाते हैं। कौन भगाते हैं? ये सुभाष सिंह, सुभाष सिंह वो तो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी है तो वो नहीं किया तो क्या करेगा? किनकी सुनते हैं वो लोग? गरीब लोगों की? नहीं हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इंदिरा जादव को जिताएंगे उसे विकास लेंगे। किसको समर्थन दे रही? इंदिरा गांधी के। किसको चाचा दे रहे हैं? किसको भैया दे रहे हैं? मैं अपने प्रत्याशी इंदिरा जादव को। विकास हुआ था साधु यादव के कार्यकाल? जी साधु यादव के कार्यकाल में विकास हुआ था, तभी तो लोग स्वागत कर रहे हैं कि इस बार आपका बहुत बढ़िया चांस है, इस बार आप चुनाव जीत कर विधानसभा में पटना जाइएगा। और सभी लोग बहुत रूप अच्छे तरीके से मतलब सेवा कर रहे हैं। मतलब 2004 के बाद तो कोई अलग कैंडिडेट ही नहीं आया, बीजेपी का ही कैंडिडेट? बीजेपी का कैंडिडेट था, गरीबों के साथ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसके कारण लोग इनकार कर दिया। अब जनता का फैसला है, जनता जो चाहेंगे वही होगा। इस बार गोपालगंज का विधायक कौन? इस बार जनता चाहे, इस बार साधु यादव, इंदिरा यादव। इंदिरा देखिए तमाम लोग हैं और इंदिरा यादव से हमने बात किया है, उनका साफ कहना है कि अगर हम विधायिका बनते हैं तो पूरा जो है विकास हम करेंगे, गोपालगंज में जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे। जिस तरीके से साधु यादव पूर्व में विधायक हुआ करते थे, उनका तमाम जो काम छूटा है, अगर मैं विधायिका बनती हूँ तो वो काम पूरा करूँगी। वहीं बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है, तमाम दावा फेल है, जो भी कार्य किया हुआ है वो जो कार्य है वो साधु यादव के कार्यकाल में हुआ है। वहीं तमाम जनता का कहना है कि जिस तरीके से पूर्व में सुभाष सिंह थे यहाँ के विधायक, उन्होंने कुछ नहीं किया है, अगर हम लोग जाते थे तो वहाँ पर से हम लोगों को भगा दिया जाता था। तमाम ये गोपालगंज की जनता थी, तमाम लोगों की बातें आपने सुनी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।